हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई अंडररेटेड नॉर्वेन स्लैशर रॉब डायर यानी कि मैनहंट, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं पैट्रिक साइवरसन। मूवी जरा भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसमें आपको वो देखने को मिलेगा जो मेनस्ट्रीम स्लैशर में नहीं होता, वो है रॉक गोर, जो कि इतना रियल लगता है कि पूछो मत। आप चाहो तो पहले मूवी देख सकते हो, भले इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन जो मैंने बोला है वो इसमें जरूर होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1974 में और हम देखते हैं कि बहुत ही बुरी हालत में एक लेडी जंगल में भाग रही है क्योंकि उसके पीछे कोई लगा है। भागते हुए अचानक उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और तभी कोई आकर उसे गोली मार देता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ एक आदमी को भी बांध रखा है। अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर शिकार चल रहा है। आगे हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि वेकेशन के लिए जंगल में जा रहे हैं, रॉजर, उसकी गर्लफ्रेंड कमीला, मिया और उसका भाई योगन। यहाँ बस चार ही कैरेक्टर्स हैं, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। कम से कम पांच लोग तो होते ही हैं, तभी जाकर एक अच्छा मरने लायक ग्रुप बन पाता है, लेकिन चार कैरेक्टर्स को लेकर भी अच्छी मूवी बन सकती है। इसका प्रूफ है टेक्सास चेंसो मैसेकर द बिगिनिंग। खैर, रास्ते में मिया अपने डैड के बताए रूल्स पढ़कर सबको सुना रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें सुनना नहीं चाहता। ऑफकोर्स ये सब डम टीनेजर्स हैं, इन्हें देखकर तो रैंडी की आत्मा भी रो रही होगी। यहाँ हम देख पाते हैं कि रॉजर काफी रूड है, वो कमीला के साथ ठीक बर्ताव नहीं करता, इसलिए मिया को भी वो पसंद नहीं, और वैसे भी उसकी इन तीनों के साथ ही नहीं बनती, भले कमीला उसकी गर्लफ्रेंड है। खैर, जंगल में जाने से पहले ये एक जगह पर रुकेंगे और अब तो सारी दुनिया जानती है कि वो है एक गैस स्टेशन। इतनी बार मैंने सिटीजन जी नहीं बोला जितनी बार मैंने गैस स्टेशन बोल दिया इस चैनल पे। कर्मिला और मिया वॉशरूम में जाती है जहाँ पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। कर्मिला उसे चेक करती है तो वो उसके हाथ पर स्क्रैच करके नीचे गिर जाता है। ये काफी अजीब तरीका हुआ हाई बोलने का। वहाँ और भी लोकल्स थे जिनका बर्ताव भी कुछ ऐसा ही था, और आप यहाँ की ओनर को भी देख लो। रॉजर की बहस हो जाती है लोकल्स के साथ, तब ओनर उन्हें रोकती है, नहीं तो वो रॉजर को पेल देते। वहाँ पर एक और लड़की बैठी थी जो काफी डरी हुई लग रही है, और वो कोई लोकल नहीं है, फिर भी वहाँ पर अकेली है। वो रॉजर से लिफ्ट मांगती है और वो भी लिफ्ट देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन मिया को उसकी बातें हजम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि मेरी कार खराब हो गई, जबकि इन्होंने रास्ते में कोई कार नहीं देखी, और मिया को तो शक होना ही है क्योंकि उसने डैड के रूल्स जो पड़े हैं। योगन भी कहता है कि उसने हिचहाइकर्स के बारे में कई बुरी बातें सुनी हैं, और ये सीधा सीधा रेफरेंस दे रहा है द टेक्सास चेंसो मैसेकर का, जिसने सिखाया था कि हिचहाइकर से बचकर रहना चाहिए। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये मूवी 1974 में बेस्ड है, उसी साल जब टेक्सास चेंसो मैसेकर रिलीज हुई थी, और उसके कई सारे रेफरेंसेस ये दे रही है, चाहे वैन हो या हिचहाइकर। पर वैन से याद आया कि वैन रॉजर की है, इसलिए वो उनकी एक नहीं सुनता और रेनेट को हाँ कर देता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो हम एक और कार को देख पाते हैं जो कि पहले वहाँ पर नहीं थी, और रेनेट उसे देखकर काफी घबरा रही है। कर वो सब वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रेनेट बड़े ही अजीब तरीके से आसपास देख रही है। हम देखते हैं कि वो कार भी उनके पीछे है। वो उनसे आगे निकल जाती है, तभी रेनेट कहती है कि वैन रोको। रॉजर भी रोक देता है क्योंकि वो उल्टी कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो कार भी आगे जाकर रुक गई। यहाँ रेनेट की वजह से कार्मिला और रॉजर के बीच बहस हो जाती है, जिसे देखकर मिया भी गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो वैन की चाबी निकाल कर रॉजर से कहती है कि पहले कार्मिला से माफ़ी मांगो, चाबी तब मिलेगी। माफी वो मांगता नहीं, इसलिए चाबी वो झाड़ियों में फेंक देती है, और इससे ज्यादा डंप हरकत और क्या होगी। लगता है इसने भी बस आधे रूल्स पड़े थे। एक अजनबी के साथ बीच जंगल में रुककर इसने वैन की चाबी फेंक डाली। हाउ स्मार्ट। अब रेनेट उन्हें कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसे देखकर लग रहा है कि वो उन्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन इससे पहले के बता पाती वो कार वाले लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो भागती है, लेकिन वो उन सबको पकड़कर रेनेट को सीधा गोली मार देते हैं। अगर आप अब भी नहीं समझे तो बता दूं कि ये सब वही शिकारी हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में शिकार कर रहे थे, और जिनका शिकार कर रहे थे वो रेनेट के साथी थे। जिस आदमी को हमने देखा था वो इसका हस्बैंड था, और उसे बचाने के लिए ये इन सबको फंसा कर यहाँ तक लाई, ताकि इन सब के बदले ये शिकारी उसके हस्बैंड को छोड़ दें। लेकिन आखिर में इसका जमीर जाग गया, जिस वजह से इसे मरना पड़ा, और क्या पता ये वैसे भी इसे मारी देते। खैर, मिया उनके ऊपर चिल्ला रही है, उसे लग रहा है कि मैंने दो चार कानून बताऊंगी तो ये डर के मारे भाग जाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जहाँ वो खड़ी है वहाँ कोई कानून नहीं चलता, प्रूफ भी उसके सामने ही पड़ा है। जब वो अपनी होशियारी नहीं छोड़ती तो वो सीधा उसके पैर में गोली दे मारते हैं, और ये देखकर बाकी सबकी बोलती अपने आप ही बंद हो गई थी। ये बात अलग है कि मिया भी चिल्ला रही है। उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसे गर्दन में स्टैब करके जान से मार देते हैं। अब तक कुछ भी वैसा नहीं चल रहा जैसा आपने सोचा होगा। ये मूवी बेसिक लाइन फॉलो नहीं कर रही। सबसे पहले तो रेनेट को अचानक मार दिया, उसके बाद इतनी जल्दी सेकंड डेथ, जो कि अगर हम कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो होनी चाहिए थी योर्गन की। इससे आप समझ जाओ कि मूवी हल्के में लेने लायक नहीं है। खैर, के बाद उन सबको बेहोश करके जंगल में ले जाते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो वो सब बंधे हुए थे। फ्री तो वो हो जाते हैं, लेकिन अब भी वो कैद हैं इस जंगल में। वो देखते हैं कि वहाँ कोई और भी बंधा हुआ है, और ये वही आदमी है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि रेनेट का हस्बैंड।
पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो भी जिंदा है। यहाँ प्रूव हो गया कि रेनेट जो भी कर रही थी इसी के लिए कर रही थी। वो उसे भी फ्री कर देते हैं, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं था। तभी अचानक हंटिंग हॉर्न बजता है और वो सब समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है या शिकार स्टार्ट हो गया। रॉजर अकेला ही भाग रहा है, जबकि वो दोनों उस आदमी को भी खींच रहे हैं। भागते हुए वो सब पहुंच जाते हैं डेड एंड तक। वहां से सीधा नीचे जा पाना मुश्किल था, इसलिए उन्हें घूमकर नीचे जाना होगा, लेकिन रॉजर इस बात से सहमत नहीं, उसे जाना है जल्दी। वो कोई तरीका ढूंढ रहा था कि तभी कोई उसे खींचकर ले जाता है और बाकियों को पता भी नहीं चलता। उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें छोड़कर अकेला ही चला गया, क्योंकि वो है भी ऐसा। शिकारी उन तक भी पहुंच गए थे, इसलिए वो फिर से भागते हैं, लेकिन इस बार वो आदमी शिकार बन जाता है। इतने दिनों की सफरिंग के बाद भी वो फ्री नहीं हो पाया। उधर हम रॉजर को देखते हैं, जिसे अभी अभी होश आया है, और ये हम समझ पाते हैं कि शिकारी इनके साथ खेल रहे हैं, उन्हें जान लेने की कोई जल्दी नहीं। इधर यॉर्गन के पैर में गोली लग गई है, इसलिए वो दोनों एक जगह पर छुपकर बैठ जाते हैं। तभी एक शिकारी उस आदमी को लेकर वहां पर आता है। वो भी जिंदा था और जिंदा ही वो उसका पोस्टमार्टम कर रहा है। ऐसे सीन्स आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही रॉ है, इसलिए मैं दिखाऊंगा भी नहीं। उस शिकारी ने इन दोनों को भी देख लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उन्हें जान लेने की कोई जल्दी नहीं। वो उस आदमी की बॉडी को लेकर वहां से निकल जाता है। उधर रॉजर ऐसे ही भटक रहा था, तभी उसे कोई दिखता है। वो डेड बॉडी थी मियाँ की, और साथ ही वो एक ट्रैप भी था जिसमें वो दोनों तो फंसे नहीं, लेकिन ओवर स्मार्ट रॉजर फिर से फंस गया। इधर वो दोनों भी भाग रहे थे, लेकिन शिकारियों ने उन्हें घेर लिया, इसलिए ना चाहते हुए भी वो दोनों अलग हो जाते हैं। भागते हुए यॉर्गन बाब वायर में फंस जाता है, जिससे उसका हाल और ज्यादा बुरा हो गया था, लेकिन अभी ये और भी ज्यादा बुरा होगा। उधर कर्मिला भटकते हुए रॉजर के पास पहुंच जाती है, जिसे एक शिकारी मारने वाला था। अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो उसे रोक रही थी, तो वो शिकारी से कुछ ऐसा समझाता है जो कि मियाँ भी आज तक नहीं समझा पाई। कर्मिला तो रॉजर की जान की भीख मांग ही रही है, लेकिन वो खुद भी अपनी ही जान की भीख मांग रहा है, ना कि कर्मिला की। अब जाकर इसकी आंखें खुली। वो शिकारी उसे मारने वाला था कि तभी वो उसी के चाकू से उसे स्टैब कर देती है, और बस यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि वो समझ गई थी कि शिकार बनने से काम नहीं चलेगा, अब उसे शिकारी बनना पड़ेगा। उसे जान से मारने के बाद वो शॉक में थी। रॉजर उससे हेल्प मांग रहा था, लेकिन अभी वो सोच रही थी कि उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। तभी और भी शिकारी वहां पर आ जाते हैं, इसलिए वो उसे फ्री कर रही थी, लेकिन अफसोस नहीं कर पाती क्योंकि शिकारी पास आ गया था। वो उसे छोड़कर भाग जाती है, और यहाँ रॉजर का भी खेल खत्म हो गया। भागते हुए कर्मिला पहुंच जाती है उन शिकारियों के कैंप पर। तभी एक शिकारी वहां पर आ गया था, इसलिए वो टेंट में रेनेट की बॉडी के पीछे छुप जाती है, और वहां पर उसे गन भी मिल गई थी, इसलिए जैसे शिकारी अंदर झांकता है वो उसे शूट कर देती है। लेकिन वहां पर एक शिकारी और भी था, जिसे वो नहीं मार पाती क्योंकि गोलियां खत्म थी। अब वो उसके साथ जानलेवा मजाक कर रहा था, तब वो उसके पैर में चाकू घुसा कर वहां से भाग जाती है। आगे से यॉर्गन बंधा मिलता है, और वो भी जिंदा था। वो उसे फ्री कर रही थी कि तभी वो शिकारी वहां पर पहुंच जाता है, तब वो एक तीर उसके अंदर घुसा देती है, लेकिन अभी वो मरा नहीं था, इसलिए उसके पास जाती है उसे खत्म करने, और तभी वो उसे स्टैब कर देता है, लेकिन कर्मिला ने हार नहीं मानी। वो भी तीर को दबाकर उसके आर पार कर देती है, जिससे वो मर जाता है। तीनों शिकारियों को उसने मार दिया, अब इन्हें कोई खतरा नहीं। वो जाकर यॉर्गन को फ्री करती है, लेकिन ये भी एक ट्रैप था। जैसे ही वो उठने लगता है, एक कुल्हाड़ी आकर उसके मुंह में घुस जाती है, और जिस तरह वो भी मारा गया। मैंने पहले ही बताया था कि मूवी को हल्के में मत लेना, ये बेसिक लाइन पर नहीं चल रही। अब कर्मिला अकेली बची है, और उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही है। फिर भी हार ना मानते हुए वो आगे बढ़ती रहती है, और आखिर में पहुंच जाती है रोड तक। फॉर्चुनेटली सामने से एक कार आ रही थी, जिसे उसने रोक लिया, और उस कार में है वो गैस स्टेशन की ओनर। जो भी हुआ, कर्मिला उसे सब कुछ बता देती है, और यही उसे नहीं करना था, क्योंकि लोकल्स के सामने लोकल्स की बुराई नहीं की जाती। जिन्हें कर्मिला ने मारा है, वो सब इसी के फैमिली मेंबर्स थे, इसलिए ये तो उसे नहीं छोड़ने वाली। और ये बात कर्मिला को भी जल्दी पता चल जाती है, लेकिन अब क्या फायदा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये भी एक लो बजट मूवी है, जिसके बजट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसने बिजनेस किया था $1.1 मिलियन का, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन अब तक इसका कोई सीक्वल नहीं आया, और ना ही आने का कोई चांस है, जबकि स्टोरी अभी और आगे जा सकती है। रॉन्गटन भी कुछ ऐसे ही फ्रेंचाइज बनी थी, लेकिन हर एक मूवी उतनी लकी नहीं होती। इस मूवी के भी दो वर्जन्स हैं, एक कट और एक अनकट। ये जो आपने देखा ये अनकट है, इसमें वायलेंस ज्यादा है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस नहीं की होगी, स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी कलरफुल थी, लेकिन एंड आते आते एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, क्योंकि यही एक तरीका था खून खराबे को छुपाने का। अगर सब कुछ असली कलर्स में दिखा दिया जाता, फिर तो ये रिलीज भी ना होती, क्योंकि वैसे ये बहुत ज्यादा रियल लगती है। हर एक सीन ऐसा लगता है मानो रियल हो, और अगर खून का कलर जेन्युइन होता तो बहुत ज्यादा लोग इसे देखकर भाग जाते, और जो कुछ कमाई इसने की है वो भी ये नहीं कर पाती। टेक्सास चेंसो मैसेकर से इंस्पायर्ड ये मूवी उसके कई रेफरेंसेस देती है, लेकिन उस लाइन पर नहीं चलती, जो कि काफी अच्छी बात है। आप जानते हो कि स्लैशर्स का बेस टेक्सास चेंसो मैसेकर है, चाहे वो रॉन्गटन हो या हेलोवीन, सब वहीं से इंस्पायर्ड है। लेकिन सेम मूवी कोई भी देखना नहीं चाहता, और कोई यही चाहता है कि कुछ नया देखने को मिले, भले ही बेस पुराना हो। एक ही तरह का कॉन्सेप्ट ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज इसका एग्जांपल है, जो बहुत ज्यादा कमा रही थी फिर भी आज गायब हैं। अगर आप नाम जानते हो तो बता देना।
इस मूवी की स्टोरी भी आप सभी ने पहले गैस कर ली होगी कि ये लोग कहीं सुनसान जगह पर जाएंगे जहाँ एक एक करके मारे जाएंगे। बेस तो वही था, लेकिन इसमें कई सारे सरप्राइजिंग मोमेंट्स थे जो बहुत जरूरी थे हमें बांधने के लिए। एक एक टॉपिक के ऊपर हम डीप में डिस्कस करेंगे सिटीजन सी एक्स्ट्रा पर। टॉपिक्स जैसे कि रीमेक्स, हॉरर, थ्रिलर्स, ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स और ऑफ कोर्स स्लैशर्स। या तो हम लाइव डिस्कशन कर सकते हैं या फिर एस पॉडकास्ट, जैसा चाहते हो बता देना और वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और कई लोग कहते हैं कि टॉप 10 वाली वीडियोस लाओ, तो ज्यादातर तो मैंने डाल ही दी हैं, जैसे कि रीमेक्स, सीक्वल्स या हॉरर कॉमेडीज। तो जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो बता देना, उसके बाद सजेशन मैं आपके लिए ले आऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि चैनल की कौन सी सीरीज हमें रीस्टार्ट करनी चाहिए, हॉरर लेजेंड सीरीज, हॉरर एंथोलॉजीज या फिर कुछ और। और उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि आप रॉजर की तरह आराम से नोटिफिकेशन के जाल में फंस जाओ। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं जो कि शायद आपके काम आ जाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले सबको बाय।